विद्यार्थियों आपका हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय डीसी चौहान में स्वागत है। आज हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे जिसमें हम किसी ठोस कुचालक गोले या परावैद्युत गोले या फिर अचालक गोले के कारण विभिन्न स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। आप देखिए ये एक ठोस अचालक गोला है जिसमें आवेश संपूर्ण आयतन में वितरित है। इसका आवेश क्यू है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी, त्रिज्य होगी। इसमें आवेश घनत्व क्यू रो बराबर क्यू बटा चार बटा तीन पाई कैपिटल आर क्यू होगा। इसको हम आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। इससे क्यू का मान रो इंटू चार बटा तीन पाई आर क्यू प्राप्त होगा। अब हम इसमें अलग अलग स्थानों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले बाहर बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कैसे ज्ञात करें? तो आप देखिए ये कोई गोला है, इसके कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बाहर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसका आवेश क्यू है, बाहर स्मॉल आर दूरी पर किसी प्रेक्षण बिंदु पर ज्ञात करने के लिए उससे केंद्र से दूरी को त्रिज्या मानकर एक वृत्ता गोलाकार गाउसीय प्रश्न की कल्पना करेंगे जिस पर विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल दोनों एक ही दिशा में होंगे, इसलिए इसमें थीटा बराबर जीरो प्राप्त होगा। अब इसमें किस प्रकार से गाउस का नियम लगाएंगे वो देखिए। गाउस के नियम से समाकलन ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो समाकलन ई डीए कॉस जीरो बराबर सिग्मा क्यू की जगह क्यू आ जाएगा अपॉन एप्सिलॉन, क्योंकि इसमें कुल आवेश गाउसीय प्रश्न में क्यू उपस्थित है। ई बाहर चला जाएगा, समाकलन डीए बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई इंटू समाकलन डीए चार पाई आर स्क्वायर होगा क्योंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल चार पाई आर स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो ई बराबर एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। इसको हम रो के पदों में भी लिख सकते हैं विद्यार्थियों। रो के पदों में किस प्रकार लिखे वो देखिए। ई आउटसाइड एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू चार बटा तीन पाई आर क्यूब बटा आर स्क्वायर, चार पाई कैंसिल हो गए तो ई आउटसाइड का मान आया रो कैपिटल आर क्यूब अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर, यानी ई आउटसाइड समानुपाती वन अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से हम ये गणना कर सकते हैं, वन अपॉन आर स्क्वायर व्युत्क्रमानुपाति हो गया आर के और समानुपाति हो गया एक बटा आर स्क्वायर के। अब देखिए अब अपन सतह पर ज्ञात करते हैं। सतह पर स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर रखते ही ई सतह पर आया एक बटा चार पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। रो के पदों में अगर लिखना चाहे तो इसको रो इंटू चार बटा तीन पाई आर क्यूब कर दे और यहां चार पाई एर स्क्वायर आर स्क्वायर कर दे, चार पाई कट कर दे तो रो कैपिटल आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट, ये सतह पर इसका मान आ गया, ये सतह पर दो है। यानी आपको क्यू के पदों में भी चाहिए आर के पदों में भी चाहिएंगे। अब हम तीसरा पद करते हैं जिसमें हमें ज्ञात करना होता है अंदर। तो थर्ड पॉइंट है गोले के अंदर, ये गोला है इसके अंदर हमें अगर गणना करनी है तो क्या किया जाए। इसकी त्रिज्या कैपिटल आर, स्मॉल आर दूरी पर कोई प्रेक्षण बिंदु है अंदर, कुल आवेश इस पर स्मॉल क्यू है। तो इस गाउसीय प्रश्न में कुल आवेश नहीं रहेगा, मान लो इसमें आवेश क्यू डैश। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, यहां डीए वेक्टर है, थीटा बराबर यहां जीरो हो जाएगा। तो अब किस प्रकार से किया जाए वो देखिए। क्यू डैश का मान निकालना पड़ेगा, तो क्यू डैश घनत्व इंटू आयतन चार बटा तीन पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। देखिए अंदर आवेश गाउसीय प्रश्न के अंदर आवेश निकालना है तो आवेश घनत्व इंटू वो आयतन जिसमें आवेश उपस्थित है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्यू डैश बराबर क्यू इंटू फोर बाई थ्री पाई कैपिटल आर क्यूब इंटू फोर बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब, ये फोर बाई थ्री पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये क्यू डैश का माना जाएगा। अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, तो गाउस के नियम से
समाकलन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन डॉट, बिंदु गुणनफल खोलेंगे तो EDA cos 0 इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन। हम हर बार सिग्मा क्यू को क्यू लिखते थे लेकिन यहां Q डैश आएगा, तो समाकलन E बाहर चला जाएगा, DA बराबर Q डैश का मान Q स्मॉल R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब एप्सिलॉन डॉट हो जाएगा। E into 4 pi r square, समाकलन dA का मान 4 pi r square है, is equal to q small r cube upon epsilon naught capital R cube हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, r रह जाएगा, तो E inside 1 upon 4 pi epsilon naught q small r upon capital R cube। ये इस तरह से इससे पता चला कि E समानुपाती है R के, इनमें जो संबंध है वो समानुपाती का संबंध काम है। अब इसको रो के पदों में देखें तो E इनसाइड जो होगा वो रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू स्मॉल R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब हो जाएगा। R क्यूब कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, रो स्मॉल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, इनसाइड विद्युत क्षेत्र रो के पदों में और क्यू के पदों में दोनों पदों। अब केंद्र पर क्या होगा, चौथा पॉइंट, केंद्र पर आपको पता है केंद्र पर स्मॉल आर जीरो हो जाएगा, तो चाहे इसमें स्मॉल आर जीरो रखो चाहे इसमें स्मॉल आर जीरो रखो तो सेंटर पे इसका मान शून्य प्राप्त होगा। अब ग्राफ बनाते हैं ई और आर में, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा वो आप देखिए, इसमें ग्राफ अंदर अंदर सरल रेखा प्राप्त होगा और बार बार व्युत क्रमानुपाती प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ई इनसाइड समानुपाती आर है, ई आउटसाइड 1/r² के आधार पर है। इस प्रकार से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। ये सेशन आपके लिए उम्मीद करूंगा बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। आप हमारे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसका लगातार फायदा उठाते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।